सब देखने के लिए विदेश जाना पड़ता था, तो हमारे मामा के पास या हमारे चाचा के पास, जो भी विदेश में हो। लेकिन एक तरह से मैं समझती हूँ कि अब की जो जनरेशन है बच्चों की, जैसे मेरे बच्चे हैं, ये बहुत भाग्यशाली हैं कि इनको इंडिया में ही, बम्बई में ही ये सब देखने को मिल रहा है। 2 घंटे की दूरी पर घर से इतना अच्छा थीम पार्क है, और ये तो बस शुरुआत है। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे थीम पार्क्स और होंगे, और जैसे जैसे आगे जनरेशन और आती जाएंगी, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे भी उपलब्ध होने लगेंगे। आई एम वेरी हैप्पी। तो एक बार तो बचपन की यादें तब ताज़ा हुई थी जब बच्चे स्कूल जाने लगे, और हमने दोबारा एक बार वही रिंगा रिंगा रोजेस और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स उनको सिखाना पड़ा। आज ये सारे फेरी टेल्स जो हैं, ये स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स हैं, और ये 3 स्टूजेस हैं, ये सब देख के वापस सारे वो फेरी टेल्स बचपन के याद आने लगे। और तो और एक तो मोगैम्बो भी यहाँ दिख गए मुझे, वो तो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाह रही हूँ तब से। तो वेरी नाइस। एक तो पुराने कॉन्सेप्ट भी हैं फेरी टेल्स के, और उसमें कुछ नयापन आपने हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री का है वो भी डालने की कोशिश की है। तो इट्स वेरी नाइस, आई एम लविंग द पार्क। हालांकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा राइड्स देखी नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ राइड्स पे। So I'm still waiting to explore everything. Well, it's like living a childhood dream. I wish this was there when I was growing up as a child. And I'm hoping many more footfalls come into this place. I mean, I've spent half my day here, and I continue to spend a couple more times here. To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.